वहां पर एक संग्रहालय यानी एक म्यूजियम और एक अतिथिशाला जहां पे मतलब जो गेस्ट वगैरह आते हैं रुकते हैं उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया और एक अतिथिशाला बनाया गया। ठीक है, इसके बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो वहाँ की जो बेगम वगैरह थी, जो शासक थी, उन्होंने क्या करा, उसके लिए धन दिया यानी कि पैसा दिया। सुल्तान जहां जो थी उन्होंने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो भी जॉन मार्शल ने देखा वहां पे, समझा उसके बारे में, उस पर जो भी लिखा, उस पुस्तक का प्रकाशन, उसको पब्लिश कराने के लिए उन्होंने क्या करा, उस पुस्तक को पब्लिश कराने के लिए भी धन का अनुदान दिया यानी पुस्तक को पब्लिश कराने के लिए भी उन्होंने पैसा दिया, संग्रहालय बनाने के लिए भी पैसा दिया, अतिथिशाला बनाने के लिए भी पैसा दिया, उसके रख रखाव के लिए भी पैसा दिया। तो इस तरीके से इसको इन्होंने क्या करा, बचा के रखा। ठीक है, अब आगे देखिए, आप इम्पोर्टेंट आपके सामने टॉपिक आएगा यज्ञ और वाद विवाद। अगर आप देखो ये जो मैं आपको हेडिंग बताता हूँ ना यहाँ पे, ये आपकी उसमें क्या कहते हैं किताबों में एनसीईआरटी में ऐसे ही ऐसे दे रखे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूँ। तो आपको आसानी क्या होगी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल साथ के साथ ऐसे ही चलते रहोगे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यज्ञ और विवाद जो टॉपिक है इसे ध्यान से आपको देखना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए, ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के देखो ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी का क्या रहा है, सुबह सुबह पार्टी है? कार के इंजन में से बिगड़ गई ना बात, इसलिए हर सर्विसिंग में डाले कैस्ट्रॉल माइकनेट है। इसके मॉलिक्यूल्स क्लीन और लॉक करके दें 50% बेटर प्रोटेक्शन। अब होगी असली पार्टी। कैस्ट्रॉल माइकनेट।